चलिए, सो आज हम लिनक्स कमांड एंड इट्स यूज, इसके कमांड के यूज के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू क्रिएट अ फाइल, फाइल कैसे क्रिएट होती है, डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स डिस्कस करेंगे, लाइक टच कमांड, कैट कमांड, ls कमांड। सो और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक vi एडिटर, ठीक है। ये vi एडिटर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, अगर इस लेक्चर में टाइम ओवर ना हुआ तो, ठीक है। एक और कमांड पढ़ेंगे, कमांड्स बहुत ज्यादा है, कमांड बहुत ज्यादा, घबराइएगा मत। बट इस लेक्चर में कौन कौन सी कमांड्स हम पढ़नी शुरू करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। यही कमांड जो मैं करवाता जाऊंगा, जैसे कोई डेट कमांड करवा दी, टाइम कमांड करवा दी, तो वो हम पहले उसकी थ्योरेटिकली उसको क्लियर करेंगे, आफ्टर देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लिनक्स में। इससे पहले लिनक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने आपको नोट्स भेज दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, वो आपको मैंने शेयर कर दिया हुआ है, उसको देख के आप उसको प्लीज उसको यूज करिए, उसको देखिए। पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ये, मैं थोड़ा, एक मिनट, एक और मैं बता देता हूँ, फिर हम बताते हैं क्या करना है। वी आई एडिटर, एक ये भी कमांड होती है, ठीक है। एक होती है विम कमांड, ठीक है, विम कमांड, ठीक है। ओके, एक होती है नैनो कमांड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमांड्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस लेक्चर में मैं आज क्या क्या क्लियर करवाऊंगा, ये चीजें, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, कमांड एंड इट्स यूज, टच कमांड, कैट कमांड, ls कमांड, इनके यूज कैसे कैसे हैं, कैसे यूज करेंगे हम इसको, कैसे हम देखेंगे चलाएंगे वो सीखेंगे। वी आई एडिटर क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो बताएंगे। विम कमांड क्या होती है, किस पर्पस के लिए यूज की जाती है वो बताएंगे। नैनो कमांड किस पर्पस के लिए होती है, ये चीजें। वी आई एडिटर और विम कमांड ये सेम ही है, ये सेम है, इसको चाहे वी आई बोलो, विम बोलो, एक ही है, ये अलग कमांड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज हम ये चीज सीखेंगे अच्छे से, तो ध्यान से चुप करके सुनना कि ये मैं करवा के रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करने लगा। तो इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि एक मैं चीज आपको बता दूं कि उबुंटू, जो हम उबुंटू पे उबुंटू लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, या आज नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया हुआ कि वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले उबुंटू लिनक्स जो है, उबुंटू लिनक्स इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले, आप अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आपके विंडो है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, अलग से भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। हाँ, कैसे, आपने एक गूगल पे, मैंने जो आज वीडियो डाली ना, मैंने जो वीडियो डाली है 3-4 दिन पहले, उसको देखो, उसको फॉलो करो, लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। पहले तो उसको देख लो, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि जैसे ये मेरी विंडो है, जैसे ये मेरी विंडो है, तो विंडो के ऊपर ही आप एक लिनक्स दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हो, ठीक है। कैसे, वो वर्चुअल बॉक्स के थ्रू, ओरेकल वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं, वर्चुअल मशीन, ठीक है, उसके थ्रू हम चला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, ओके। वर्चुअल मशीन आप गूगल से डाउनलोड करोगे, गूगल से, ठीक है। गूगल से जब डाउनलोड करोगे तो जो मैंने स्टेप्स आपको बताया वीडियो में, वो आपने फॉलो करने हैं। फिर आपने, मैंने वीडियो में बताया उबुंटू लिनक्स
उबुंटू लिनक्स का एक आईएसओ फाइल होती है, आईएसओ फाइल होती है उबुंटू की, जिसमें सारा वो लिनक्स पड़ा होता है। आप जब फर्स्ट स्टेप आपका है, यहाँ पे मैं सिंपल से लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप आपका है आपने वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन आपने गूगल से डाउनलोड करनी है। सेकंड स्टेप है आपका, आपने गूगल से उबुंटू की देखो, मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ लगेगा, इसलिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको भेज दी है, ठीक है, वो आप देखिए, मुझे लगता है आपके ने किसी ने देखी होगी पूरी और उसको फॉलो किया होगा, इसलिए मैंने पहले वीडियो बना के भेज दिया। उबुंटू की आईएसओ फाइल वो आपने डाउनलोड करनी है, वो आप किसी ड्राइव में जाके वो सेव हो जाएगी, ये आईएसओ ही फाइल मेन है, ठीक है। थर्ड स्टेप, जब आप वर्चुअल मशीन ओपन करोगे तो उसकी सेटिंग्स में जाके, वो सारा वीडियो में प्रॉपर पड़ा हुआ है, जो वर्चुअल बॉक्स है आपका, उसमें कैसे आईएसओ फाइल इंसर्ट करनी है और कैसे उसको नेम देना है, कैसे सेटिंग्स में जाके किस पे क्लिक करना है, वो सारा बताया हुआ मैंने। उसको इसके साथ लिंक करवाना है, आईएसओ फाइल को वीएम वर्चुअल बॉक्स जो वर्चुअल मशीन है उसके साथ लिंक करवाना है, तो फिर हम इंस्टॉल करेंगे अपना उबुंटू लिनक्स। जब आप प्रॉपर इंस्टॉल प्रोसेस करोगे, वो भी आपको वीडियो में दिया हुआ है, आप अपने लैपटॉप पे थ्रू वर्चुअल मशीन लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। जब लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर वो कुछ एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपका एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और चल पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम उबुंटू। वहां पे हम सारा सारा काम करेंगे, अपनी कमांड्स रन करेंगे, कैसा वो दिखता है वो सारा यहाँ पे हम उबुंटू पे काम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, सारी सारी कमांड यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ये जो सारी कमांड्स होती हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके टर्मिनल पे जाके हम कमांड रन करेंगे, ठीक है, किस पे जाके, टर्मिनल। टर्मिनल तो ये चीज एक बार एक डिस्कस कर लेना, या एक बार इसको इंस्टॉल करके देखो, वो वीडियो देखो, वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि उबंटू कैसे इंस्टॉल करनी है। एक बार एरर आएगी, दूसरी बार आएगी, फिर से वो दोबारा वीडियो देखो तो वो हो जाएगा इजीली, डोंट वरी, ठीक है, नहीं तो मैं बैठा हूँ। चलिए क्या मैं क्या करवाना था, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, फर्स्ट टॉपिक क्या था, सुन रहे हो, उनके चले गए, मैं अकेले बोल रहा कोई है क्लास में, नॉक नॉक, यस सर। हाँ मुझे लगी, मैं समझा अकेले मैं बोल रहा हूँ, इट्स ओके, मेरी आवाज आ रही है, ठीक हाँ जी सर। है ठीक है, मैंने जो भी बताया वो क्लियर है, यस सर। ओके ओके, डन डन डन, चलिए शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट लिखते हैं, हाउ टू क्रिएट ए फाइल, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, यही कमांड हमने बाद में इंप्लीमेंट करनी है, फिर भूल मत जाना। अच्छा सब बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते जाइए साथ साथ, प्लीज। कॉपी पेन लेकर बैठे हो या ऐसे ही बैठे हो, कॉपी पेन लेकर बैठिए पहले, नहीं मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पहले कॉपी पेन लेकर बैठिए। सुबोध, सुबोध कुमार यस सर, अपनी कॉपी दिखाइए, सब दिखा रहे हैं। हाँ वीडियो ऑन करके दिखाओ, मुझे चेक करनी है, सब जो भी मैं आज करवाऊंगा वो आपने नोट करना है, कमांड्स नोट करनी है, क्योंकि ये भूल जाएगी, थोड़ा डिफिकल्ट है, भूल जाएगी,
कॉपी दिखाइए अपनी। भाग गए हो? दिखा रहे हैं। दिखाइए कॉपी, दिखाइए अपने ऊपर ये हेडिंग डालिए, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। जल्दी दिखाइए जल्दी, मैंने आगे पढ़ाना है। सर कॉपी है, पेन निकाल ले। मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये पेज साइड पे करो और नए पेज पे लिखो, ठीक है? ओके गुड, ठीक है, बंद कर दो वीडियो, बंद कर दो। मैंने सबकी कॉपी चेक करनी है इसके बाद, ठीक है? सब मुझे, मैं रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ कि किसी ने लिखा नहीं लिखा। अनिसुल रहमानी, मैं एंड में पूछूंगा, बीच में पूछूंगा कि आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। मैंने वो फोटो मंगवानी है व्हाट्सएप पे। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ मोहम्मद साहब, आपने भी सारा लिखना है। दीक्षा, जशनप्रीत, रवनीत, लक्ष्मीना, नवदी, सब बच्चों ने कॉपी पे लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ आज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा यस सर, यस सर, थोड़ा समझ नहीं लगेगा बट मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो इसको इधर उधर ध्यान मत करिए बट समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। इसीलिए मैंने कॉपी पे बोला कि कॉपी पे नोट करिए, ठीक है? मैं बाद में कॉपी की फोटो मंगवाऊंगा आपसे। चलिए सबसे पहले लिनक्स में ना ये चीज देखिए कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। अनिसुर रहमान सर, आपने लैपटॉप पे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो कैसे क्रिएट करोगे? फाइल के लिए राइट क्लिक कर कर सर। राइट क्लिक करके आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, लाइक एमएस वर्ड, टेक्स्ट फाइल, पावर पॉइंट फाइल, एक्सेल फाइल, उसको अपना नेम भी दे सकते हो तो क्रिएट हो जाती है। नहीं सर, कमांड देना पड़ेगा सर। ओ भाई, मैं वर्ड, मैं एमएस विंडो की बात कर रहा हूँ। विंडो 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 सर, उसमें ऑप्शन आता है। कहाँ पे ऑप्शन आता है सर? न्यूज सेव करने का फाइल। रहने दो, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। जानवी शर्मा, जानवी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है मुझे। आपने कभी फाइल क्रिएट करी है विंडो पे? यस सर। कैसे करते हैं सर? न्यू फाइल पे जाके फाइल क्रिएट करना। न्यू फाइल कहाँ पे होता है? राइट क्लिक करके। हाँ राइट क्लिक करके, मैंने बोला कि पीपीटी एक पावर पॉइंट की फाइल क्रिएट कर दो, आप कर सकते हो? आप कर सकते हो? यस सर। मैंने बोला है राइट क्लिक करके आप एक पावर पॉइंट की फाइल क्रिएट करो, आप कर सकते हो? यस सर। तो ठीक है, बड़ा सिंपल है ना? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी तरह लिनक्स में फाइल को क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे उसको कॉन्कैटिनेट किया जाता है, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ फाइल, लाइक कैट, ओके, मैं यहाँ पे ना लिख ही लेता हूँ कैट। सो कैट कमांड एक ऐसी कमांड है जिससे हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एक और कमांड होती है फाइल को क्रिएट करने के लिए। सबका मैं बताऊंगा, यूज बताऊंगा, पर्पस बताऊंगा, क्या चीज होती है, ठीक है? टच कमांड। एक और होती है कमांड लाइक वीआई, जिसको हम बोलते हैं वीएम। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नैनो, इट्स ओके। ये हमारी कमांड्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स में। किसमें?
लिनक्स में। वेरी गुड, लिनक्स में हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने एमएस वर्ड में राइट क्लिक किया और फाइल क्रिएट कर ली, इतना सिंपल नहीं है। लिनक्स में हम अपनी फाइल को क्रिएट करने के लिए इन कमांड्स को यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए मैंने पहले ये कमांड को चूज किया है आपको सिखाने के लिए। ठीक है, इट्स ओके। चलिए, लिनक्स में कमांड जो सबसे पहले है कैट। कैट का मतलब है कॉन्केटिनेशन। बट आप बोलोगे सर कॉन्केटिनेशन का मतलब तो फाइल्स को कंबाइन करना है, तो आप सही सोच रहे हो, कॉन्केटिनेशन का मतलब है फाइल्स को कॉन्केटिनेट करना, इकट्ठे करना। बट वो फाइल को क्रिएट भी कर सकता है। कौन? हु? कैट? कैसे? लाइक देखिए, सी ए टी कैट, लिनक्स में वो लिख रहा हूं मैं, लिनक्स में कैट ग्रेटर देन, ये स्पेस है, इसमें इसके अंदर क्या है, स्पेस कैट। आप अपनी फाइल का नेम दीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल फाइल वन, आपकी फाइल मतलब कि एक एक ये ई है, फाइल वन, ठीक है, कैट ग्रेटर देन फाइल वन, ये स्पेस है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हम कमांड्स रन करते हैं, ये केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव। ठीक है, क्या होता है सारा क्लियर मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे, जो मैं बोलता जा रहा हूँ मेरे एक एक वर्ड्स को सुनते रहिए बस ध्यान से। जब आप ये कमांड लिखोगे ना सबसे पहले टर्मिनल पे, ये फर्स्ट कमांड है, ये फर्स्ट कमांड है जिसका नाम है कैट। कैट के आगे स्पेस, स्पेस डाल के आपने ये ग्रेटर देन का साइन डालना है और फाइल वन, और आपकी एक फाइल क्रिएट अभी हुई नहीं है, अभी वो पूछेगा इसमें क्या लिखना है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, हेलो, ठीक है, ओके, क्या लिख दिया, हेलो हेलो, और आपने एक फाइल क्रिएट कर दी जिसका नाम है फाइल वन, और इसके इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? एंटर। मैं फर्स्ट कमांड बता रहा हूँ जिसका नाम है कैट। लिनक्स में आपने कैट लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है मैं बता रहा हूँ अभी, रुक जाइए, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है जब तक आप समझोगे। कैट ग्रेटर देन का साइन फाइल वन, फाइल का मैंने नेम दिया है, आप अपना नाम दे लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर प्रेस किया और वहां पे यही चीज आ जाएगी, मतलब एम्प्टी चीज आ जाएगी। आपने यहाँ पे लिखा हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिखा, ठीक है, फिर आपने वहां पे कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्लस प्रेस करोगे तो आप उस फाइल से बाहर आ जाओगे और आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इट्स ओके। यस सर। उस फाइल के अंदर आपका कंटेंट लिखा गया है जिसका नाम है फाइल वन। और नहीं पुत्र, फाइल वन तो Hello? फाइल का नाम है। Hello? उस हाँ Hello? उस फाइल के अंदर एक कंटेंट लिखा गया है जिसका नाम है हेलो हाउ। यस सर। आप एक वर्ड की फाइल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल करते हो, उसके अंदर आपने लिखा है, आपने नोट्स बनाया ना, इसी तरह मैंने लिनक्स में एक फाइल क्रिएट करनी है, वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, उसके अंदर मैंने ये कंटेंट लिखा है और कंट्रोल डी करके मैं उस फाइल से बाहर आ जाऊंगा। पहला काम तो ये है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। धीरे धीरे सीखते जाइए, मैं रिपीट करता जाऊंगा इस लेक्चर में। जब मैं एंड करूंगा लेक्चर को फिर आपको बोलूंगा कि क्या समय लगा नहीं लगा, फिर आप बोलोगे सर 99.9% समय लग गया, ब्लीव मी, थोड़ा वेट करिए। ओके, यस। अब ये देखिए, नेक्स्ट इज टच कमांड। विच वन? टच कमांड एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है। कौन सी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है? Empty file. बट सारे बोलते हैं कि empty file create करने के लिए होती है, बट ऐसा नहीं है।
एम्प्टी फाइल किस पर्पज के लिए यूज होती है हम सीखेंगे कमांड जब हम चलाएंगे किस पर्पज के लिए यूज होती है, बट एम्प्टी फाइल सब कहते हैं कि सॉरी टच कमांड कहते हैं कि एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है. लाइक फॉर एग्जांपल सी देखिए टच टच फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री. मैंने टच लिख के स्पेस डाल के फाइल वन लिखा, फाइल टू स्पेस डाल के फाइल टू लिखा, स्पेस डाल के फाइल थ्री लिखा, कितनी फाइल्स क्रिएट हो गई? थ्री फाइल्स. इसके अंदर कंटेंट क्या है? एम्प्टी. मतलब एम्प्टी लिखा हुआ है या खाली है? खाली है सर. बिल्कुल 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 ये खाली है. तो टच की हेल्प से, टच कमांड की हेल्प से हम इन फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आपका क्या नाम है, किसे बात हो रही है? सर दीक्षा. दीक्षा जैसे लिखा जैसे कोई एक फाइल का एक जैसे अपने दीक्षा ने अपने टर्मिनल पे लिखा टच एबीसी वन. ठीक है, इसका मतलब उसने अपने टर्मिनल के थ्रू, Ubuntu टर्मिनल के थ्रू जहां पे वो कमांड चला रही है, उसने एक फाइल क्रिएट करी है जिसका नाम है ABC. एक फाइल क्रिएट कर दी बट उसमें कंटेंट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये जो टच कमांड है ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है. ठीक है, बट yes. मैं इसको नहीं मानता, इसको मैं गलत करूंगा वो बाद में करूंगा. ठीक है, ओके. यस सर. बट सब बोलते हैं कि ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है, बट मैं बताऊंगा कि ये एम्प्टी फाइल तो क्रिएट करता ही करता है, इसी के साथ साथ और भी बड़ा कुछ करता है ये टच कमांड जो होती है. कोई प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट हमारा है वीआई और वीएम. कौन सी कमांड? वीआई और वीएम. अब ध्यान से सुनिए, ये जो ये दो दिस वन, ये हमारे होते हैं एडिटर्स. क्या होते हैं एडिटर्स? एडिटर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी कोड सर लिखना, जैसे विजुअल बेसिक हो, विजुअल बेसिक हो गया, कंटेंट लिखना है, कोई भी कोड लिखना है, हम इन एडिटर्स के थ्रू लिख सकते हैं. अब देखो, हमने कैट में कौन सी फाइल क्रिएट की थी? सर हेलो. नहीं बच्चे, फाइल वन. बच्चे हेलो फाइल का नाम थोड़ी ना, फाइल का नेम है फाइल वन. ये फाइल क्रिएट करी हमने यहाँ पे, उसके अंदर कंटेंट थोड़ी ना पूछ रहा हूँ. एक मिनट होल्ड करो. हेलो, कैट के थ्रू हमने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम था फाइल वन. टच कमांड के थ्रू हमने एक कमांड टच कमांड के थ्रू हमने फाइल क्रिएट की थी जिनका नाम था फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री. चलो फाइल टू लगा लो, फाइल वन तो पहले ही हो गई थी ना क्रिएट. फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर. अब ठीक है. यस सर. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने जो फाइल क्रिएट की, जो हमने फाइल क्रिएट की, हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? ऐड. मॉडिफाई करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? मॉडिफाई. कुछ फाइल को कंबाइन करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कैट के थ्रू. टच के थ्रू भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एडिटर्स को यूज करते हैं. एडिटर की हेल्प से हम उस फाइल के अंदर कंटेंट को ऐड भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक हेलो यहाँ पे अब मैंने लिखना है बाय. ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता. तो मैं किसकी हेल्प से लिख सकता हूँ? या तो नैनो एडिटर की हेल्प से या वीआई वीएम के हेल्प से. वीआई फाइल वन लिखूंगा तो वो एक अभी बताऊंगा आगे जाके वो कैसे ये यूज होती है. अभी तो मैं जस्ट हाईलाइट दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना.
अभी मैं जस्ट हाईलाइट दे रहा हूँ इन कमांड्स के। कैट कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए होती है, टच कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए होती है, ये भी कमांड फाइल क्रिएट करने के लिए होती है, ये भी। बट इनके पर्पस क्या क्या है? कैट की हेल्प से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, बट इनमें जो चेंजेस होते हैं, कोई ऐड करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, कोई डिलीट ऑन करना है, तो इस नहीं कर सकते हम। कॉन्कैटिनेट करना है हम नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं इन एडिटर्स के जरिए। कुछ भी लिखना हमने, आगे चल के हम बताते हैं कि कैसे। इतना समय लगा है? Yes. नहीं समय लगा सर, लगा समझ। ठीक है चलिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। जब आप एक मिनट, सब ध्यान से, ठीक है हो गया। जब आप ना टर्मिनल ओपन करोगे ना, टर्मिनल जहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्या है ये देखिए। चलिए जब आपकी Ubuntu इंस्टॉल हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाएगा, वो वीडियो को देख के फॉलो करके आप जब ओपन कर लोगे Ubuntu, वहां पे टर्मिनल लिखोगे, टर्मिनल में एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन, वो किस से आएगी? टर्मिनल, उसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल, टर्मिनल पे ही आप वो सारी कमांड्स को रन करोगे। ठीक है, जब भी आप वो टर्मिनल ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा साइड पे ना, फर्स्ट यहाँ पे लिखा होगा, लाइक ब्रैकेट में लिखा होगा, लाइक मैं वैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा मतलब कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी डाल देता हूँ, कंफ्यूजन हो। ठीक है, इट्स ओके, आप समझ रहे हो? यस सर। चलिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे ना एक साइड पे एक चीज लिखी होगी, जैसे कोड विद मोहित @ip, कुछ भी लिखा हो सकता है वो। जब आप उसको अपना नेम दोगे Ubuntu को, जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप वो पूछेगा कि आपने क्या नेम रखना है, तो आप अपना नेम भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब टर्मिनल की बात कर रहा हूँ कि टर्मिनल में कमांड्स कैसे रन करेंगे, कैसी वो चीजें होंगी, एक एक थ्योरी करेंगे हम अपना कमांड्स की, वही सीख रहे हैं हम। जब हम टर्मिनल ओपन करेंगे तो वहां पे एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी, लाइक दिस एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी, और वहां पे ये चीज लिखा होगा, कोड मतलब ऐसे कुछ लिखा होगा, ये मैंने अपना लिखा हुआ है, मैं अपना बता रहा हूँ, कोड विद मोहित @ip। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, कमांड लिखता हूँ जो कि कॉमन है, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, लाइक sudo, मैं तो अपने लिखता हूँ -s, बट आप ये भी लिख सकते हैं sudo su। अब वो इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? रवनीत, गायब हो गए सर। दीक्षा सर, नहीं पता। नहीं पता, कभी ये सुना है ये sudo क्या है? नो सर। ठीक है, जानवी शर्मा? यस सर। पता है sudo su क्या है? नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात। लक्ष्मीना? यस सर। sudo su क्या है?
नहीं पता सर। कोई बात, मैं बताता हूँ रुकिए। ये आपकी पहली कमांड है जो कि आपको यूज करनी ही पड़ेगी। ये सबसे मेन कमांड होती है। क्या होती है? मेन कमांड होती है जब आप टर्मिनल को ओपन करोगे, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कि वो क्या कह रहा है। सूडो एस का मतलब होता है, सुनिए, सूडो एस यू आपने लिखना है और आपने प्रेस करना है एंटर। क्या प्रेस करना है? एंटर प्रेस करना है। सूडो का मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, सुपर यूजर डू। क्या होता है? सुपर यूजर डू स्विच। क्या मतलब होता है सुपर यूजर डू स्विच? मतलब सुपर यूजर डू अलग है, स्विच मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए। कुछ बताता हूं मैं। जब ये कमांड आप लिखते हो ना, जब ये कमांड आप हेलो जब ये कमांड आप लिखते हो तो इसका वो कहते हैं कि भाई हम पहले यूजर पे है तो स्विच करके रूट पे आ जाए। किस पे आ जाए? रूट पे आ जाए। कहने का मतलब ये हम नॉर्मल यूजर पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल कहता है वो स्विच कर जाओ। जैसे कहते हैं ना कि मैंने यार जॉब को स्विच करना है, जैसे मैं एक छोटी जॉब से मैं बड़ी जॉब पे चला जाऊंगा, मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं नौकरी नू चेंज कर लगा, ऐसा करे ना अपन। यस सर। इसी तरह वो कह रहा है कि ये जो कमांड जब आप लिखते हो ना, इसका मतलब होता है कि स्विच करके दूसरे यूजर पे आ जाओ। स्विच करके दूसरे यूजर के पे मतलब कि आप एक नॉर्मल यूजर पे काम कर रहे थे पहले, अब मैं एडमिन के रूप में काम करूंगा। नहीं समझे? देखिए, ये देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक डॉलर का साइन होता है। क्या होता है? डॉलर का साइन। डॉलर साइन इंडिकेट्स नॉर्मल यूजर। थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ये? नहीं सर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा वो क्या कह रहे, रिस्पांस स्लो आ रहा ना, दैट्स व्हाई। नहीं सर, ठीक है। जब आप सिंपल मैं बता रहा हूँ, जब आप ये टर्मिनल ओपन करोगे उबुंटू में, तो यहाँ पे ऐसे लिखे आएगा, वहां पे आपने ये डॉलर का साइन भी ऐसे ही आएगा। इसका मतलब है आप अभी किस यूजर पे काम कर रहे हो? आप नॉर्मल यूजर पे काम कर रहे हो, ठीक है? अब मैंने, मुझे कई कमांड्स यूज करने का हक नहीं है। मैं किसी को फाइल को डिलीट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं एडमिन यूजर पे काम करूंगा तो क्या होगा? सर चेंज कर सकते हैं सब कुछ, मेरे पास सारी पावर्स है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा है sudo su, मतलब स्विच कर जाओ अदर यूजर पे। अब समय लग गई है? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कोड विथ रूट विथ, मतलब काइंड ऑफ इट जस्ट सीम लाइक एज, ऐसे आ जाएगा एट द रेट IP#. डॉलर इंडिकेट्स नॉर्मल यूजर, हैश इंडिकेट्स एडमिन। वेरी गुड, शाबाश एडमिन। अब मैं एडमिन यूजर पे आ गया, मतलब कि अब मेरे पास सारी पावर आ गई है विद द हेल्प ऑफ sudo su कमांड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी मैंने इतना ही बताया कि आप रूट यूजर पे आ गए हो, रूट यूजर पे आके आप सारे काम कर सकते हो, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है लाइक कैट, ठीक है, ग्रेटर देन फाइल वन। ये मैं कैप्स, अब सुनो ध्यान से, ये कैप्स में लिख रहा हूँ, वैसे कैप्स में नहीं लिखना, ठीक है, मैं स्मॉल में लिखता हूँ, कैट स्पेस ग्रेटर देन फाइल वन, ठीक है, और देन प्रेस एंटर, ठीक है।
देन प्रेस एंटर। एंटर वहां पे आप कुछ भी लिखो, ठीक है। अब मैं प्रॉपर टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, प्रॉपर टर्मिनल पे, वो तो पिछला मैंने बताया, वो जस्ट आपको हाईलाइट दिया था। दिस इज योर टर्मिनल, ये ब्लैक स्क्रीन आएगी जहां पे आप अपना कोड लिख सकते हो, कोड इन द सेंस आपने अपनी कमांड्स लिख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही आएंगी। नहीं समझे सर? आगे समझ। हाँ एक बार अगर कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ इंटरनेट से, एक मिनट मैं गूगल पे, एक मिनट आपको क्लियर हो जाएगा। Ubuntu, एक मिनट जस्ट होल्ड, टर्मिनल, Ubuntu टर्मिनल कमांड्स, मैं इमेज दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए प्लीज। देख के घबरा मत जाना, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या है, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या सर? डिफरेंट स्लाइड्स दिख रही हैं। डिफरेंट, ये क्या दिख रहा है? ये कुछ दिख रहा है? कमांड दिख रही है। ये है सारी कमांड, आपने ऐसे लिखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? mark@linux.desktop। इसी तरह आपका अपना नाम भी लिखा हो सकता है, इसी तरह मैंने अपना नाम लिखा था, codewithmohit@ip, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अपनी कमांड लिखोगे, समझेंगे? ओके सर। यहाँ पे आप अपनी कमांड लिखोगे सारी, ठीक है? Yes, तो जब एंटर प्रेस करोगे ये सारी ऐसी चलेगी, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिनक्स है, ये Ubuntu का लिनक्स है, ये देखिए, ये देखो, ये लिनक्स है, ये लिनक्स साइट पे ये सारे उसके फोल्डर्स यहाँ पे है, ड्राइव्स उसकी सारी यहाँ पे है। ये लिनक्स का जो डेस्कटॉप है वो ऐसा होता है, ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ ये दिस इज योर टर्मिनल मशीन, टर्मिनल जहां पे आप अपनी सारी कमांड्स को रन करोगे। डन? ओके सर। ओके, तो इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है, अब क्लियर हो रहा है? यस सर। जब आप पहली कमांड रन करोगे लाइक कैट अंडर ग्रेटर देन फाइल वन, तो यहां पे आप अपना कुछ कंटेंट ऐड कर दोगे। हेलो, हाय, हाउ आर यू, फिर आपने यहां पे कंट्रोल प्लस डी ऐड कर प्रेस कर देना। क्या कर देना है? कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है कीबोर्ड से, और आप उस फाइल से बाहर आ जाओगे। क्या आ जाओगे? बाहर आ जाएंगे फाइल। इसका मतलब आपकी फाइल बन गई है, आपकी फाइल सेव हो गई है। उस फाइल को चेक करने के लिए, अब मैं वो रूट नहीं लिखने वाला, चलो मैं लिख देता हूँ, एक लास्ट टाइम लिख देता हूँ। ये लिखा ही आएगा, हमेशा लिखा ही आएगा, ठीक है? इस फाइल को देखने के लिए कि मेरी फाइल बन गई है या नहीं बनी, तो इस फाइल को देखने के लिए मैं कमांड यूज करूंगा ls। ls कमांड यूज फॉर लिस्ट। क्या है? लिस्ट। जब मैं ls के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा लिखा अपने आप ऑटोमेटिक लिखा जाएगा फाइल वन। क्या लिखा जाएगा? फाइल वन। मतलब कहने का मतलब मेरे कंप्यूटर पे एक फाइल वन नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। अभी तक इतना समझो, ठीक है? चलिए मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ सबको। कैट कमांड हम पढ़ रहे हैं, कैट कमांड अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूँ, साथ साथ कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक है? मैंने कॉपी चेक कर दी सबकी। cat command किस purpose के लिए यूज है? The cat command is one of the most universal tools
copy standard input to standard output. Standard output. Cat command. Cat command का ये definition है. Definition आप पढ़ सकते हो, कोई problem नहीं है. But वो कैसे work करेगा अभी आपको बताता हूँ. अभी हम जस्ट पहली कमांड सीख रहे हैं, कैट कमांड. इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे अगर कल को इंटरव्यू होती है. एक मिनट होल्ड करना. एक मिनट होल्ड कर. ओके सो मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा था सर? कैट कमांड. कैट कमांड. हम आज कैट कमांड के पीछे पड़ गए हैं. कैट कमांड हमने बहुत अच्छे से सीख के जानी है. बहुत इंपॉर्टेंट कैट कमांड है. ठीक है, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि कैट कमांड किस पर्पस के लिए यूज की जाती है. ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है. ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कॉपी करने के लिए ये यूज की जाती है. चलिए कैट कमांड सीखते हैं. अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी काफी है, टेंशन मत लीजिए. कैट कमांड. कैट कमांड हमारी, अभी पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फाइल कैसे क्रिएट होती है, किन किन चीजों से. कैट, टच, वीआई, नैनो, इससे बताई थी ना? यस सर. अब कैट कमांड अपने आप में क्या करती है? अब हम कैट कमांड शुरू कर लेंगे. इसी तरह टच करेंगे, इसी तरह वीआई करेंगे, इसी तरह और एलएस कमांड करेंगे, एलएस कमांड भी सीखेंगे. तो ऐसे ऐसे हम कमांड को सीखते रहते हैं. तो मुझे एक स्टूडेंट, मेरी किस स्टूडेंट से बात हो रही है? सर दीक्षा शर्मा. दीक्षा, आपने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मंडे को आपने मुझे याद करवाना है कि सर आपने यहाँ तक मुझे पढ़ाया था, हमें पढ़ाया था, तो आपने आज सब बच्चों को इससे आगे पढ़ाना है. अगर लेक्चर आज खत्म हो जाता है तो मैं यहाँ पर ही छोड़ दूंगा और मुझे, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा ना, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं बुजुर्ग हूँ. ठीक है, तो मुझे बता देंगे बता देना. अब सब बच्चे, अभी सबकी जो कॉपीज के 8 स्टूडेंट ना, 8 के 8 ही बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे कॉपी की फोटो. सब बच्चों के ऊपर नेम लिखे होने चाहिए पेज पे कि आपने काम नोट किया है. थोड़ा सा मुझे भरोसा नहीं है कि आप लिख रहे हो, बट आपको मैंने चेक करनी है जो मैं लिखवा रहा हूँ. ये सारा लिखा होना चाहिए जो मैंने आज लेक्चर पढ़ाया. ठीक है, कैट कमांड. कैट कमांड इज यूज फॉर फर्स्टली यूज फॉर क्रिएट फाइल. कैट कमांड किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? क्रिएट फाइल. वेरी गुड. ये सिर्फ एक सिंगल फाइल क्रिएट करती है. क्या करती है? सिंगल फाइल क्रिएट कर देती है. इसी के साथ साथ ये एक और चीज भी करती है. क्या करती है? ध्यान से देखिए. concatenate the file. concatenate file का मतलब क्या होता है? आप तो एक मिनट बच्चे, आप एक मिनट होल्ड करिए. मोहम्मद, नहीं, एक मिनट दीक्षा, एक बच्चे, एक मिनट. मोहम्मद सैफ. यस सर. मोहम्मद सैफ, concatenate file, ये जो हम cat command आज सीख रहे हैं, cat command, इसको मैंने चलाना सिखाना है. अभी मैंने चलाना सिखाया नहीं है, अभी मैं हाईलाइट ही दे रहा हूँ. कॉन्केटिनेट फाइल का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर. अच्छा, नहीं पता यार, ये तो पता होना चाहिए ना. अनिसुल रहमान अंसारी. यस सर.
आपको मैं अनिसुल बताऊं, रहमान बताऊं या अंसारी बताऊं? आपका नाम नेम बहुत लंबा है। वही सर, एक नाम बोल दीजिए। इनमें से कोई एक नाम बोल सकता हूं? जी सर। कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। तो मुझे अंसारी नाम बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, ओके। अंसारी जी, कॉन्केटिनेट फाइल का मतलब क्या होता है? कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ना होता है एक दो फाइल। वेरी गुड। मतलब कि मैंने फेविकोल लगाई अपने पास और मैंने तुम्हारे लगा, हम दोनों जुड़ गए, ऐसा कुछ? ये एक फाइल से दूसरे फाइल को। ठीक है, ओके। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में मजाक करता हूँ, गुस्सा मत होया करिए, ठीक है? जी सर। कॉन्केटिनेट का आपने ठीक बताया, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कि एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ कॉन्केटिनेट करना। मतलब जैसे मैंने लिखा है अपनी अपनी फाइल में लिखा है हेलो हाउ आर यू, आपकी फाइल में लिखा है जय श्री राम या जय मतलब कि कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा तो वो ऐड हो गया, ठीक है? लाइक दिस। कॉन्केटिनेट का फाइल करना, दो फाइल्स को उनके कंटेंट्स को ऐड करना, लाइक दिस। टू ऐड मोर देन वन, लिख सकते हैं हम। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है टू ऐड मोर देन वन फाइल इनटू अ सिंगल फाइल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है दीक्षा बच्चे, अब ध्यान से सुनिए, कैट कमांड क्या क्या कर सकती है? सर इट क्रिएट्स अ सिंगल फाइल एंड वेरी गुड, टू ऐड मोर देन वन फाइल इनटू अ सिंगल फाइल। एक और चीज बताता हूँ क्या क्या करती है वो, बताऊं? यस सर। देखिए प्लीज रवनीत, आप लेक्चर सुन रहे हो? यस सर। पिछली बार आप बोले थे मैं रवनीत रवनीत बोलता, क्या आप आए नहीं? पता नहीं कहाँ कहाँ आप नहीं सर, सुन रहे हैं। थर्ड का काम करती है कैट फाइल, क्या काम करती है? कॉपी फाइल्स। क्या करती है? कॉपी फाइल्स। पीछे शब्द लग गए या सॉन्ग लग गए रवनीत जी का? सर वो पाठ हो रहा लग गए बार। हाँ, आवाज आ रही है मेरे यार, वेरी गुड यार, मतलब भगवान का नाम ले लिया करो। बंद ही कम कॉपी गंदे गए अपन। टू कॉपी द, अच्छा ये कौन तीसरा क्या काम करती है? क्या है सर? कॉपी फाइल्स। कॉपी फाइल्स। टू कॉपी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है? मतलब एक्स कंटेंट को उठा के हम वाई में डाल देते हैं, मतलब एक फाइल का कंटेक्स्ट उठा के हम दूसरे में डाल देंगे, इसका काम ये भी करता है। कौन? कौन सर? कैट। वेरी गुड, कैट। कैट एक और काम करती है कैट कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैट कमांड, ये वाली, इसीलिए हम पहली कमांड आज सीख रहे हैं जिसका नाम है कैट कमांड, ठीक है? ये 5 या 10 नंबर की आपको अकेली आ सकती है पेपर में, ठीक है? इट्स ओके। यस सर। एक और ये काम करती है टैग, क्या करती है? टैग मतलब कि इसको उल्टा लिख दो, सी ए टी टी ए सी, ये टैग। टैग क्या होता है? टैग का मतलब होता है इसके नाम से पता चल रहा है उसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अंसारी लिखा हुआ है, अंसारी लाइक दिस, मोहित, और सिमरत नहीं आया? नो सर। हाँ पता नहीं क्या होगा, जैसे लिखा अंसारी मोहित सिमरन, सिमरत है कि सिमरन है? सिमरत ही है सर। सिमरत है, सिमरत। क्या लिखा हुआ है? अंसारी मोहित एंड सिमरत, ठीक है? ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टैग, मैंने यहाँ पे लिख दिया टैग, टैग। और ये जो सारा कंटेंट है ना, ये जो सारा कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ये एक फाइल बी में पड़ा हुआ है, किस फाइल में पड़ा हुआ है? फाइल बी, मतलब फाइल बी में पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टैग फाइल, फाइल टैग फाइल बी। तो जब मैं इसको एंटरप्रेस करूंगा ना, एंटरप्रेस करूंगा तो इसकी आउटपुट पता क्या आएगी? सिमरत मोहित
अंसारी, वो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि उल्टा कर देता है जो भी अंदर कंटेंट होता है उसको क्या करेगा, रिवर्स, रिवर्स कर देगा, मतलब रिवर्स नहीं करेगा, रिवर्स नहीं करेगा, रिवर्स का मतलब ये होता है कि आई आर ए एन एस ए टी टी होम कर देगा, टी ए आर एम आई एस ये कर देगा, ये रिवर्स नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है मैं वो बता देता हूँ, ये लीजिए देखिए क्या है इसका मतलब है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब है टू सी द कंटेंट इन बॉटम टू, ठीक है नहीं समझे सर, गेस लग गया। सो कैट कमांड हमारी क्या क्या कर सकती है, ये चीजें कर सकती है, ठीक है, यस सर। तो आज हमने सीखा कि कैट कमांड हमारी किन पर्पस को सॉल्व कर सकती है, इन पर्पस को सॉल्व कर सकती है, लाइक इससे हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को कैट कमांड की हेल्प से, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं कैट कमांड की हेल्प से, कॉपी फाइल्स कर सकते हैं, एक आप एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट में डालना है तो कैट की हेल्प से हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, टैग का मतलब होता है कि बॉटम टू टॉप टेक्स्ट को दिखाने के लिए वी यूज टैग कमांड, कोई प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ तक समझ लगी? यस सर। ठीक है चलिए अब हम ना एक फाइल क्रिएट करके बताते हैं और सारा आपको बताते हैं कि प्रॉपर अब कैसे वर्क करेगी वो चीज, चलिए जैसे यहाँ पे वो मैंने बताया था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि वो रूट, ये बताया था ना रूट आईपी, लिख दूं कि रहन दूं? सर यस। लिख दूं? नहीं सर। चलो ठीक है। रूट विद मोहित एट द रेट आईपी कोड है, सॉरी सर, रूट विद मोहित एट द रेट आईपी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फिर वो आपको पता ना, मैं बार बार लिखू तो वो टाइम वेस्ट होगा। चलो ठीक है ठीक है, फिर मैं सीधा कमांड में आऊं। यस सर। डन डन डन। ठीक है ठीक, ओके देखिए सी, सबसे पहले मैं एक मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, एक मिनट साथ साथ वो रिविजन हो जाएगी, किससे बात नहीं हुई अभी तक मेरी, सुबह से भी हो गई है। नवदीप कौर, नवदीप कौर चलो अनिल सोल आप ही बता दीजिए, अंसारी। yes, हाँ yes, मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, क्या क्रिएट करनी है, फाइल क्रिएट करनी है, मुझे एक फाइल बनानी है, ठीक है। सपोज करो ये टर्मिनल है, एक टर्मिनल है जो मैंने बताया, वो जहाँ पे हम अपना कमांड सारी करेंगे, ये एक टर्मिनल है, हमने एक फाइल क्रिएट करनी है, फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम आपके नाम पे ही रखेंगे हम, ठीक है। तो उसमें हम कोड उसमें हम कुछ लिखेंगे, लाइक द कैट कमांड इज यूज्ड फॉर, ये लिखना है, ठीक है। चलिए लिखवाइए, उसका सारा सिंटैक्स लिखाइए, एक फाइल क्रिएट करके दिखाओ। तो कैट लिखेंगे, स्पेस देंगे, स्लो स्लो, कैट स्पेस रहेगा, बिल्कुल आई ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा सर, ठीक है। अंसारी लिख दीजिए सर। वेरी गुड, शाबाश, सॉरी अंसारी, आगे इंटर करेंगे सर। वेरी गुड, शाबाश, एंटर करेंगे तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, वो रूट विद मोहित वो ऐसा नहीं नजर आएगा, वो आपको पूछेगा कि उसमें लिखना क्या है, आपकी फाइल क्रिएट हो गई है बट कंटेंट अभी लिखा नहीं है, ठीक है। एक फाइल आपकी क्रिएट होने जा रही है बट अभी वो हुई नहीं है, अभी उसका नाम क्रिएट किया है जिसका नाम है अंसारी, पर उसमें कंटेंट अभी नहीं है, लिखा नहीं है। दीजिए सर, हेलो कुछ भी लिख दीजिए। दिस कैट कमांड इज, कितना बहुत है जी सर, ठीक है। मैंने उसको
एंटर प्रेस किया, अब फिर वो पूछेगा कि क्या लिखना है, मैं फिर लिख दिया हेलो, ठीक है जी सर। अब मैंने फिर लिख दिया, मैंने लिख दिया बाय बाय, जब जब मैं एंटर प्रेस करते जाऊंगा वो मुझसे पूछता जाएगा, बट यार मैंने तो उसको एंड करना है, किससे कंट्रोल डी सर। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस ये लिखना नहीं है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस डी, जब प्रेस करके एंटर करोगे ना तो वो इस स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, इस स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ पे वो रूट विद मोहित पे फिर आ जाएगा जी सर। इसका मतलब आपको अपनी फाइल चेक करनी है कि आपकी फाइल बनी है कि नहीं बनी है, किससे चेक करेंगे सर? ये नहीं मालूम है सर, ये नहीं मालूम है, ये मुझे मालूम है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे वो कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूट, वेरी गुड वेरी गुड, रूट विद मोहित वो लिखा हुआ है, उसके आगे मैंने एक और कमांड लिखनी है। हम आज कमांड सीख रहे हैं कैट, एक और कमांड सीखने लगे हैं ls, क्या है ls, ls करके आप जब एंटर प्रेस करोगे, इस पे एंटर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा I'm sorry। इसका क्या मतलब है सर? फाइल क्रिएट हो गया सर। इसमें वो बता रहा है कि ls आपकी जितनी भी फाइल्स आपने क्रिएट की होंगी तो वो इस पे यहाँ पे बता देगा, यहाँ पे अंसारी 9 की फाइल क्रिएट हुई थी, जितनी भी आपने फाइल क्रिएट की होंगी वो सारी दिखा देगा, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड सो ऑन, ठीक है ओके। मतलब मैं जस्ट हिंट बता रहा हूँ कि आपने जितनी जो जो भी आपने क्रिएट किया होगा आपको इसमें पता चल जाएगा, जाएगा, वेरी गुड। बट मैंने उसमें कंटेंट देखना है, क्या देखना है? कंटेंट, अंसारी ने लिखा क्या है, ये तो बता रहा है कि अंसारी नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, कर रही है, बट उसमें तो कंटेंट मुझे पता नहीं लग रहा, ठीक है जी। मैं एंटर प्रेस करूंगा, मैं फिर किस पे आ गया सर? रोहित रूट विद मोहित पे सर, रूट विद मोहित पे आ जाऊंगा। अब मैंने क्या चेक करना है सर? इसमें फाइल में कंटेंट चेक करना है, उसके लिए क्या है? अब ये आप सबने ये कॉपी पे नोट करना है, मुझे व्हाट्सएप पे ये सबने पिक्चर भेजनी है अपनी कॉपीज की कि आपने वो लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है? चलिए कैट स्पेस, अब मैं अंडरस्कोर बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन का साइन ही डालूंगा क्या? हेलो जी सर, ग्रेटर देन का साइन नहीं डालेंगे, नहीं डालूंगा, यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा अनसारी, क्या लिख दूंगा? अनसारी, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये सारा ही, एक मिनट, ये जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये सारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, उस फाइल में क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, देख लोगे कोई प्रॉब्लम तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत अच्छे से बताया आपने, नेक्स्ट और कौन स्टूडेंट मेरे से बात करेगा? कोई भी नहीं है, ये तो डरते बहुत है मेरे से। यस सर। हाँ दीक्षा, दीक्षा नहीं डरती मेरे से, चलो दीक्षा। यस सर। सेकेंड फाइल क्रिएट करो अपने नेम पे, जहां पे लिखा होना चाहिए गुड मॉर्निंग, करिए सेकेंड, ध्यान से करना क्योंकि अंसारी के नाम पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, उसमें कंटेंट आ चुका हुआ है। सेकेंड फाइल आप क्रिएट करने जा रहे हो जो कि आपके नेम पे होगी, जिसपे कंटेंट होगा गुड मॉर्निंग, इन दोनों को फाइल को मैं कॉपी करके एक फाइल में डालूंगा कॉन्केटिनेट करके। सो ध्यान से करिए, करिए फाइल बनाइए। सर सबसे पहले आएगा कैट, वेरी गुड, देन स्पेस डाल के ग्रेटर देन, वेरी गुड, दीक्षा, वेरी गुड, सर अपने नाम पे बनानी है ना फाइल? बिल्कुल जी। ओके सर, सर देन उसके बाद कंटेंट मतलब एंटर करेंगे प्रेस, वेरी गुड, देन उसके बाद गुड मॉर्निंग,
morning. So, फिर से enter press करेंगे. Very good. Then press control plus D. Very good. Control plus D. जब मैं इसको enter करूंगा ये control D show नहीं होगा but वो बाहर आ जाएगा किस पे? Sir, file create हो जाएगी. हाँ आ तो जाएगा, हो गई क्रिएट, किस पे आ जाएगा? Sir, cat में. रूट विद मोहित पे नहीं आ जाएगा? यस यस यस. तो भूल जाते हो, रूट विद मोहित पे आ जाएगा. यस सर. ये कॉपी पे साथ साथ लिख लो. यस सर. हाँ सब बच्चों की मैंने अभी फोटो मंगवानी है. अब इस हाँ बोलो. यस सर. फिर उसके बाद अगर इस कंटेंट को देखना है मैंने कि आपने क्या लिखा है, कैसे देखेंगे? So then root with mohit at the rate ip. वो तो अपने आप आएगा, वो हम नहीं लिखेंगे, वो अपने आप ही आएगा. सर उसके साथ लिखेंगे ls. अच्छा चलो अपनी आपने अपनी फाइल देखनी है कि वो क्रिएट हो चुकी है या नहीं. जरूरी थोड़ी ना कि ls ही करना है, वो तो हमें पता चल गया कि ls से फाइल क्रिएट होगी. देखना है कि आपकी फाइल, सुनो सुनो सुनो, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, सुनो ये देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई. Yes, इसका मतलब आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है, बट फिर भी आपको शक है कि आपको अपनी फाइल देखनी है. यू कैन चेक विद ls कमांड. ठीक है. yes. चलिए ls एंटर और वहां पे आ गया दीक्षा. दीक्षा अंसारी फाइल 1 2 3 जो भी फाइल क्रिएट की होंगी. ठीक है. यस सर. ठीक है. अब सर उसके बाद फिर अगर कंटेंट देखना है जी तो फिर उसके बाद लिखेंगे कैट. वेरी गुड. स्पेस दीक्षा. ठीक है. एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे देन उसके बाद हमारा कंटेंट शो हो जाएगा. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. अब समय लग गई है? यस. कोई प्रॉब्लम? नो सर. तो इस तरह से हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. आप सुनिए ध्यान से. एक मिनट मैं प्लीज कर दूं. चलिए अब मैं कहता हूं कि अंसारी अंसारी लाइन पे आइए. यस सर. अंसारी आपके कंटेंट में कितनी लाइंस थी? मेरे कंटेंट में सर 3 lines हैं. चलो 3 lines थी. फोर्थ लाइन ऐड करनी है, मतलब कि एक और कंटेंट ऐड करना है. इज इट पॉसिबल? नहीं मालूम है सर. नहीं मालूम. ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ बताने के लिए. ठीक है. अब सुनिए अगर कोई भी कंटेंट ऐड करना है तो उसमें मैंने कुछ लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीक्षा की फाइल में लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग, मैंने वहां पे लिखना है गुड नाइट. ठीक है. तो वो कैसे ऐड करूंगा? लाइक कैट स्पेस अंडरस्कोर फिर से अंडरस्कोर और दीक्षा की फाइल का नाम दे दूंगा. नहीं समझे? जी सर समझिए. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर प्रेस. ये जशनप्रीत को क्या हो गया है? जशनप्रीत हेलो. जशनप्रीत. यस सर. जशनप्रीत क्या हो रहा है आपको, क्या करी जा रहे हो? सर कुछ नहीं, मीटिंग लीव हो जा रही थी, कनेक्शन प्रॉब्लम थी. मैं क्या पता नहीं कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो. नहीं सर वो कनेक्शन प्रॉब्लम है. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. यस सर. चलिए चलिए ये कंटिन्यू करो, मैं करवा रहा हूं प्लीज. कहां पे था मैं फिर से भूल गया सर. इंटर. हां ठीक है ठीक है ठीक है. सो अब देखिए ध्यान से कि कैट डबल से मैं ग्रेटर देन साइन दीक्षा करूंगा. यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड गुड नाइट गुड नाइट. कंट्रोल डी से मैं बाहर आ जाऊंगा और वहां पे अब मैं चेक करूंगा कैट दीक्षा. तो वहां पे जब आएगा वहां पे वो क्या नजर आएगा? गुड मॉर्निंग गुड नाइट. वेरी गुड. तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम
सर डबल ग्रेटर देन ना समझा दियो डबल ग्रेटर देन ये कौन बोल रहा है सर जशनप्रीत हाँ जशनप्रीत बच्चे डबल ये जो ग्रेटर देन का साइन था इसमें कंटेंट ऐड करना है एक फाइल थी दीक्षा की जिसमें लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग मैंने उसमें एक और कंटेंट ऐड किया गुड नाइट तो उसमें डबल ये लिख के तो हम उसको कंटेंट में गुड नाइट लिख देंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा यस सर ठीक है तो फिर कैट दीक्षा की कमांड से हम उसको देखेंगे तो उसमें जब नजर आएगा गुड नाइट और गुड मॉर्निंग कोई प्रॉब्लम यस सर नो सर ठीक है यस सर तो इसी तरह आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो चलिए सो नेक्स्ट योर टच कमांड नेक्स्ट इज योर टच कमांड कैट कमांड पता चल गई कैसे वर्क करती है या कैसे उसको चला के देखते हैं कैसे उसको ऐड करेंगे थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिकली इसको चला के देखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ लग जाएगी मेरा मानना है कि यहाँ पे ऐसे समझा दो तो आपने प्रैक्टिकली आप खुद मुझे बताना है मैंने क्या बताना है आपने मुझे बता देना है कि सर मैं बताती हूँ सर मैं बताता हूँ इट्स ओके यस सर टच कमांड किस पर्पस के लिए यूज की जाती है सर टू क्रिएट फाइल टू क्रिएट एम्प्टी फाइल बेसिकली अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि चलिए आपको आपकी बात मान लेते हैं लो क्रिएट एम्प्टी फाइल ठीक है मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा नो सर यही समझाया था यस क्रिएट इसका एक और मकसद है टू क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एम्प्टी फाइल ओके टू क्रिएट मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स ओके बट टच कमांड का और भी मेन मकसद है जिसको पता नहीं है वो सीख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो एक एम्प्टी फाइल ही क्रिएट कर सकती है टच कमांड और किस पर्पस के लिए यूज की जाती है आज आपको पता चलेगा ये देखिए चेंज ऑल टाइम स्टैम्प ऑल टाइम स्टैम्प ऑफ फाइल क्या लिखा मैंने चेंज ऑल टाइम स्टैम्प ऑफ अ फाइल क्या मतलब है इसका थोड़ा सा आइडिया किसी को आता है टाइम स्टैम्प क्या होता है कोई बता सकता है लेक्चर कितने बजे ओवर होना है 1:15 नेक्स्ट लेक्चर मेरा से किसी आपका नेक्स्ट लेक्चर है इसका सर नहीं है इसका ओके ओके 5 मिनट रह गए इसके बाद हम खत्म कर देंगे लेक्चर को क्योंकि अगला लेक्चर भी है किसी टीचर का तो जल्दी से बताइए बच्चे टाइम स्टैम्प क्या है नहीं पता नहीं पता सर एक बार होल्ड करना हाँ जी सॉरी बच्चों हेलो मेरी बात आ रही है
यस सर। हाँ जी, मेरी किससे बात हो रही है? सर दीक्षा। हाँ दीक्षा, बच्चे ध्यान से सुनो, टाइम स्टैम्प क्या होता है, सब बच्चे ध्यान से सुनो, अंसारी ध्यान से सुनो। टाइम स्टैम्प का मतलब, ये एक ऐसी कमांड है जिसकी हेल्प से हम एम्प्टी फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये फाइल के टाइम स्टैम्प को भी चेंज करती है। अब आप बोलोगे सर हम वही तो पूछ रहे हैं, टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट कर दिए। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, एक फाइल जब आपने क्रिएट कर ली उसका एक टाइम स्टैम्प लग गई, मतलब इस टाइम पे वो क्रिएट हुई थी, इस टाइम पे डेटा आपने इंसर्ट किया था, इस टाइम पे आपने मॉडिफिकेशन की थी, इस टाइम पे आपने डेटा को डिलीट किया था, इस टाइम पे आपने मेटा डेटा चेंज किया था, इस टाइम पे आपने इस फाइल को असेस किया था, इस टाइम पे आपने इस फाइल को मॉडिफिकेशन की थी, उसका एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प लग जाती है। समझ लगी? यस सर। टच कमांड की हेल्प से हम उसके टाइम स्टैम्प को भी चेंज करते हैं, उसके एक्सेस टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। टच कमांड की हेल्प, जैसे एक अंसारी के नाम की फाइल बनाई, ठीक है, तो अंसारी के नाम की फाइल 2:05 में 13 सेकंड में वो फाइल क्रिएट हो गई, हो गई? यस सर। बट उसपे जो कंटेंट लिखा हुआ था वो भी उस टाइम पे लिखा हुआ था। फिर मैंने अगले दिन वो फाइल ओपन की, 3:38 पे मैंने उस फाइल में चेंजेस किए कुछ, ठीक है? तो इसी तरह मैं हर एक फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टच कमांड। टच कमांड वो कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा, ठीक है? एक और इसका लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं सीखना, थोड़ा ही सीखना, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ज्यादा सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? अपडेट ओनली, मतलब इसके चार काम है, ठीक है? अब वो तीन काम इसके बाद होंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपडेट ओनली टेस्ट टाइम ऑफ फाइल, मॉडिफाई टाइम ऑफ द फाइल। क्या लिखा है, पढ़िए इसको। अपडेट ओनली एक्सेस टाइम ऑफ फाइल, मॉडिफाई टाइम ऑफ द फाइल। कौन करता है? सर टच कमांड। टच कमांड, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बताएंगे कि ये कैसे होता है। जैसे कैट कमांड हमने रन करके देखी है, चलाइए ना कैसे चलती है। यस सर। इसी तरह हम टच कमांड करेंगे, इसी तरह हम VI करेंगे, इसी तरह हम विम करेंगे, इसी तरह हम नैनो करेंगे, ठीक है? फिर LSB भी करेंगे, अगेन हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और नया लेक्चर भी शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? अगर क्लियर हो गया रेज योर हैंड। नवदीप कौर को क्लियर नहीं हुआ शायद, और जानवी को भी नहीं क्लियर हुआ शायद, अनिसुल रहमानी को भी नहीं क्लियर हुआ शायद। जानवी क्लियर नहीं हुआ, रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा जी, अब आपका क्या काम है, सब बच्चों ने अभी 5 मिनट के अंदर मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कॉपीज की फोटो भेजनी है, जो जो लिखा हुआ है, एक फोटो या दो फोटो मुझे व्हाट्सएप। सर मेरा लिनक्स नहीं इंस्टॉल होता है। लिनक्स इंस्टॉल आपने करके दिखा है? सर डाउनलोड नहीं होता है, जब हम गूगल खोलते हैं सर, मतलब लिनक्स डेस्कटॉप खोलते हैं, वहां से हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। मेरी जो वीडियो थी वो आपने देखी है? यस सर, यूट्यूब पे भी देखा है सर, तो डाउनलोड नहीं होता है। नहीं नहीं, सबसे पहले आपने, आपकी विंडो कौन सी है? मेरा विंडो 10 है सर। विंडो 10 है, वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करिए इंटरनेट पे कि पहले पहले आप वर्चुअल मशीन आपने डाउनलोड किया है? यस सर, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन आप डाउनलोड करो, फिर यूट्यूब पे देखो कि हाउ टू इंस्टॉल, कौन सा लिनक्स करना है। सर अब मैसेज 18.4 है, पर वो जो नेट पर सर्च करे तो Ubuntu 18.04 करो। कौन सा सर? नहीं मिल रहा है Ubuntu 18.04। अच्छा ठीक, उसकी मेरी, मेरे पास ISO फाइल है, ISO फाइल, वो मैं zip फाइल करके आपको मैं WhatsApp पे या ईमेल कर देता हूँ, zip फाइल बना के, ठीक है? सर आप सेटअप भेज दीजिए ना, हम लोड कर लेते हैं। सर मेरा इंस्टॉल हो गया है। कौन बोल रहा है? सर जशनप्रीत। जशनप्रीत, वेरी गुड। आपका Ubuntu चल पड़ा है?
सर यस आप फोटो भेजोगे सर यस ठीक है ये किस लड़के से बात हो रही थी पहले अभी सुबोध 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 कोई बात नहीं सुबोध मैं चेक करता हूँ क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है मेरे से व्हाट्सएप पे बात करते रहिए कि क्या है क्या नहीं है मैं आपको गाइड कर देता हूँ ठीक है सर हम कल भी फोन किया था नहीं नहीं मैं कल थोड़ा ठीक नहीं था यार ठीक ठीक है मैं थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो मैं अपने आप कॉल कर दिया करता हूँ ठीक है ओके सुबोध मुझे फोटो भेजो जो आपने आज लिखा है मैंने चेक करना है कि सब बच्चों ने आज लिखा है या नहीं लिखा या मैं ऐसे बेफालतू से ही पढ़ाता रहता हूँ सर भेज दी है आपको भेज दी है हाँ जी किसने भेजी है मैंने रवनीत ने रवनीत पुत्र तो है इंटेलिजेंट है सर हमें ठीक है सब बच्चे फोटो भेजिए जिसने काम किया है अच्छा आज के लेक्चर में कुछ समय लगा आपको यस सर थोड़ा बहुत मुझे बता दो कि मैं जान क्या किससे बात कर रहा हूँ किसने बोला था दीक्षा दीक्षा यस सर नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताना कि यहाँ से शुरू करना है टच कमांड से ठीक है यस सर ओके सर चलिए नेक्स्ट क्लास है जो वो किसी और टीचर की है दूसरी उन्होंने मेरा लॉग इन यूज करना है सो मैं यहाँ पे खत्म करने लगा क्लास थैंक यू एक मिनट पोल करवा लेते हैं पोल फटाफट ये आपके स्क्रीन पे ये पोल रहा है इसका आंसर दीजिए जल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ आज 8 ही स्टूडेंट है गलत बात है यार बाकी बच्चों को बोला करो कि क्लास अटेंड किया करें बायो सपोर्टिंग सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग नहीं मुंह में बोलो बच्चे सबको नहीं बताना सर लिनक्स से क्या बना सकते हैं हाँ जी लिनक्स से मतलब कमांड से क्या क्या बना सकते हैं बहुत कुछ बना सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो लिनक्स सर ओपन सोर्स है ये तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका कोड ओपन है चलिए थैंक यू ये बंद करने लगा हूं इसका राइट आंसर है सब आंसर दीजिए तीन बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी तक बच्चे ठीक है थैंक यू इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर रहा हूँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मैं इसको क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूँ थैंक यू इसका सही आंसर है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर टू टर्न ऑफ इंस्टॉल द प्रोग्राम ही होता है पता नहीं किसने आंसर दिया गलत है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर राइट आंसर चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा इजी क्वेश्चन मैंने डाले हैं ये तो सबको आता होगा रिसाइकल मुझे लगता है सुबोध ने गलत आंसर दिया नहीं सर रिसाइकल भी मैं क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूँ थैंक यू इसका राइट आंसर है रिसाइकल बिन हार्ड डिस्क ये हार्ड डिस्क किसने बोला है सही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा अभी मैंने सुबोध को एक आंसर दिया था इस क्वेश्चन का वैसे सबको पता ना चाहिए ना सुबोध यस सर ओपन अभी हमारी बात हो रही थी इस पे है ना चलिए क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूँ थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू इसका राइट आंसर है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलिए जिसको प्रॉब्लम है कोई भी मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकता है जिसको नहीं समझ लगी या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सब बच्चे मुझे फोटो भेजे मैंने चेक करने हैं कॉपी पे कि आपने लिखा है या नहीं लिखा ये 7 के 7 स्टूडेंट जो 8 स्टूडेंट है मुझे भी व्हाट्सएप करें
कि आपने जो मैंने आज पढ़ाया है कमांड लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है? मैं रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय.